the chapter is present perfect tense. So we'll understand what is present perfect tense और ये कब use किया जाता है. तो सबसे पहले tenses का अगर एक timeline draw करेंगे, so main three tenses are past, present and future. इसके बारे में हम लोगों को ऑलरेडी पता है. तो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज़ होगा? ऐसा बहुत सारा इवेंट होता है जो जस्ट ख़त्म हुआ है या कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है और उसका इफ़ेक्ट अभी भी है, तो वो पास्ट में भी नहीं आता है और सिंस वो ख़त्म हो गया तो उसको प्रेजेंट में भी नहीं ले सकते. तो ये पोर्शन में जो इवेंट होगा पास्ट और प्रेजेंट के बीच का, उसको बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो जिस तरह से हम लोग पास्ट टेंस के लिए वॉज वेयर यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस के लिए इज आर या एम यूज़ करते हैं, फ्यूचर के लिए विल या शैल यूज़ करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हम लोग हैज़ या हैव यूज़ करते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. सो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? जैसे गो का पास्ट होता है वेंट और इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन. तो अगर हमको बोलना पड़ेगा, जैसे अगर हम हैज़ या हैव यूज़ करेंगे, जैसे आई हैव, तो इसके साथ हम वेंट नहीं लगाएंगे, हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे गॉन. सो आई हैव गॉन टू द मार्केट. शी हैज़ गॉन टू द मार्केट. तो इस तरह से बहुत सारा वर्ड्स होता है जिसका पास्ट और थर्ड फॉर्म सेम होता है, बट बहुत सारा वर्ड्स है जिसके लिए अलग होता है. जैसे ड्रिंक का पास्ट फॉर्म होता है ड्रैंक, लेकिन थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक. सो द कैट हैज ड्रंक द मिल्क. हैज हो गया ना, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ड्रैंक नहीं यूज करके ड्रंक यूज करना होगा. सो एक बात ये ध्यान में रखना है कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है. दूसरा ये ध्यान रखना है कि हैज और हैव कब यूज होता है. सो हैज हैव यूज होता है प्लूरल के साथ. हैव इज यूज्ड विथ प्लूरल और आई. और हैज़ यूज़ होता है ही, शी या इट के साथ, या किसी का नेम तो थर्ड पर्सन. जैसे यहाँ पर कैट है तो हैज़ यूज़ किए, आई है तो हैव यूज़ हुआ है, शी है तो हैज़ यूज़ हुआ है. तो इस तरह से हैज़ और हैव यूज़ किया जाता है. तो फिर से एक बार बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है. बहुत सारा ऐसा इवेंट होता है जो या तो अभी तुरंत ख़त्म हुआ है या थोड़े देर पहले ख़त्म हुआ है, उसका इफ़ेक्ट लेकिन अभी भी है. जस्ट नॉट, ऐसा नहीं है कि बस थोड़े देर पहले, कुछ दिन पहले ख़त्म हुआ लेकिन उसका इफ़ेक्ट अभी भी है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला जाता है. आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हमेशा हैज़ या हैव लगा हुआ होगा. नाउ यू डोंट हैव टू डू द वर्कशीट्स फ्रॉम योर बुक. I've seen the worksheets and they are of not much use. So I'll directly skip to the do-it-yourself portion. उसमें भी पेज नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे. स्टार्टिंग का वर्कशीट्स करने का ज़रूरत नहीं है, दूसरे रेफरेंस बुक से इसका रिविजन करवाएंगे. सो इस वर्कशीट में क्या है? रीड द फॉलोइंग हेडलाइंस एंड न्यूज़ रिपोर्ट्स. Underline words in the reports that tell us of an action completed at the time of speaking. देखो लिखा गया ना, completed at the time of speaking, मतलब जब बात कर रहे हैं, जब बोल रहे हैं, तब तक वो इवेंट कम्प्लीट हो गया. सो द चेयरमैन ऑफ टाटा टेक हैज़ रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन्स. कौन से वर्ड से समझ में आ रहा हैज़ रिजाइंड. उसी तरह से साइंटिस्ट इन द USA हैव डेवलप्ड, to have developed, इसमें has burst.
साइंटिस्ट्स है प्लूरल है तो हैव यूज हुआ है, चेयरमैन सिंगुलर है तो हैज यूज हुआ है. द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यहाँ हेडलाइन है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट्स, तो द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैज स्टार्टेड, मतलब जब ये न्यूज लोग पढ़ रहे हैं तब तक फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है. राइज इन डेथ्स ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स, ये हेडलाइन है, इसको एक्सपैंड करेंगे तो द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स हैव राइजन. वाटर वेल्स इन रूरल एरियाज ड्राई, सो वाटर वेल, द वाटर वेल्स इन रूरल एरियाज, वाटर वेल्स प्लूरल है तो हैव यूज करेंगे, हैव ड्राइड, ड्राई का पास्ट फॉर्म ड्राइड होता है और इसका थर्ड फॉर्म भी ड्राइड है तो इसलिए ड्राइड. नाउ इंटीग्रेटेड टेंस प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड टेंस प्रैक्टिस मतलब सारा टेंसेस मिक्स किया हुआ है, तो हम लोगों को सेंटेंस पढ़ के समझना होगा कि कब सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है, उस तरह से. सो संडे एज एवरीवन डैश इज नेम्ड आफ्टर द सन, तो इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो जैसा कि सबको पता है तो ये अभी भी पता है, इस वजह से ये प्रेजेंट टेंस होगा. तो संडे एज एवरीवन नोज इज नेम्ड आफ्टर द सन विच डैश वर्शिप्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो अभी भी वर्शिप किया जाता है इसीलिए यूज हो रहा है इज. मंडे डैश नेम्ड आफ्टर द मून, मंडे इज नेम्ड आफ्टर द मून, द मून मे हैव डैश वर्शिप ऑन दिस डे इन एंशियंट डेज, मे हैव है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो बी का थर्ड फॉर्म होगा बीन, सो मे हैव बीन. ट्यूजडे इज नेम्ड आफ्टर टिन, द गॉड हु डैश हैज डैश ओनली वन हैंड, हैज का फॉर्म बैठाने बोला, तो हैज का फॉर्म मतलब हैव, हैज और हैड, तो द गॉड हु हैज ओनली वन गॉड हैंड, उसके पास एक ही हाथ है, डैश लॉस्ट द अदर वाइल कैप्चरिंग अ टेरिबल वुल्फ, क्योंकि उनका दूसरा चला गया था वुल्फ को पकड़ने में, तो हैड. Wednesday is named after Woden and Thursday after Thor. Thor, who was very strong, had a simple way of solving problems. He dash anyone who, so kill से बनेगा he killed, क्योंकि past का बात हो रहा है. He killed anyone who dash near him at that time. बहुत पहले का बात है, तो had और go का third form gone. Friday is named after Thor's mother Frigga. And Saturday dash its name from Saturn. अब ये सारा past में, यहाँ पर verb past में use करना होगा, तो take का past, took. Next है Mount Kanchenjunga is a mountain peak in the Himalayan range. It is the third highest peak in the world and is dash as a deity of Sikkim. Deity मतलब God. So worship किया जाता है, इसलिए यहाँ पर होगा is worshipped. As a deity of Sikkim. This peak dash to a height of 8598 meters. Reaches. क्योंकि अभी भी है तो इस वजह से present tense. And dash first scaled in 1955 by a British team. British team इसको measure कर चुका तो इसलिए यहाँ होगा was. But now some people dash objecting to the fact. People plural है और अभी object कर रहे हैं तो are. That so many people dash to climb the mountain peak, want to climb the mountain peak. They dash that just as no one climbs the statue of any god. वो लोग बोल रहे जिस तरह से भगवान का स्टैचू कोई नहीं चढ़ता है तो माउंट कंचनजंगा भी गॉड के बराबर है तो उनका भी पीक में क्लाइंब नहीं किया जाना चाहिए. So they say that just as no one climbs the statue of any god, in the same way, no one should climb Mount Kanchenjunga. By climbing the peak, people dash insulting it. People plural hai toh are insulting it. So, this is all about present perfect tense.
दो बात का ध्यान रखना है कि हैज़ और हैव कब यूज होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है साथ में।